चले मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तानी लड़के हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं ठीक है, और आप भी लड़के हैं, तो पाकिस्तानी लड़के मेजोरिटी लड़कियों से क्या झूठ बोलते हैं? मेजोरिटी लड़कियों से क्या कि तुम प्यारी हो आपकी जैसी और नहीं मिलेगी हो बोलते हैं थोड़े से दोस्त कह रहा अस्तगफिरुल्लाह मतलब बोलते हैं आप उसका नाम पारो रखा हुआ है मैंने इस तरह हो जाएंगे उस तरह हो जाएंगे वो भी आगे से कहती है ठीक है। अस्सलामुअलैकुम पब्लिक पॉइंट्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फाइक अली और इस वक्त आप देख सकते हैं एक और खाने की जगह पे मौजूद है। मुझे खाने की जगह मिलती है, आप लोग भी सोचते होंगे इसको कोई काम नहीं है, हर वक्त जो है वो खाने की जगह पे चली जाती है। तो भाई लॉकडाउन है तो मार्केट्स तो इस वक्त बंद है। सो आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तानी नौजवान हैं लड़के हैं, तो ये लड़कियों से मेजॉरिटी क्या झूठ बोलते हैं, और जानेंगे उनके टैलेंट के बारे में और क्या बनने का शौक है, ये सब चीज़ें जानेंगे लोगों से आज के प्रोग्राम में। यहाँ पे मैं मौजूद लोगों से बात करती हूँ, आप मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। मुझे बताएं कॉमन सेंस कैसी है आपकी? कॉमन सेंस ठीक अच्छी है। अच्छी है। मुझे ये बताएं लड़के मेजॉरिटी लड़कियों से क्या झूठ बोलते हैं? लड़कियों से बहुत से बोलते हैं। बता दें आपने कितने झूठ बोले हैं? यही कि आपकी जैसी और नहीं मिलेगी हो मतलब लड़के ये झूठ बोलते हैं। अच्छी बात है, मैंने ये सवाल किया, मुझे करना चाहिए है ना, पता चले लड़के क्या झूठ बोलते हैं। आपने लगता है यही वाला झूठ बोला है? इसी तरह के बोलते हैं, यही जब लड़की को टेस्ट करना होता है इसी तरह के बोलते हैं। जैसी और नहीं मिलेगी, आप जैसी और कोई खूबसूरत नहीं है, ऐसी पहले तारीफें वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा अपना बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करके थोड़ा बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ये है। आपको अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते, कम बोलता हूँ। बोलते हैं थोड़े से, दोस्त कह रहा अस्तगफिरुल्लाह मतलब बोलते हैं आप अपने हिसाब से बता रहे हैं। अपने हिसाब से बता चलें जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। मुझे ये बताएं गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है, सो सैड। नहीं चाहिए वो लड़की, छोड़ के चल, ब्रेकअप हो गया था। अरे अभी 19 के और ब्रेकअप भी कर चुके हैं आप? हुआ था अभी, मैं 18 का था। और मतलब 18 साल में हमें फोन मिला था, वो भी दूसरे छोटा सा, और यहाँ पे ब्रेकअप करके बैठे हैं 18 साल में। बस अब क्या करें, हो गया ब्रेकअप, गलत बात है। अच्छा क्या अब क्या फिर ब्रेकअप अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए इंसान? ब्रेकअप के बाद मेरा जो ख्याल है कि इंसान को रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए कुछ। ये बात ब्रेकअप के बाद ही क्यों समझ आती है? ये बात बस ब्रेकअप में तो इंसान को थोड़ा बहुत हर्ट होता है, पेन मिलता है, तो पेन से इंसान वो बनता है, इंसान सीखता है। ये सोच रही हूँ आप इतने प्यार से बोलते हैं, वो कैसे करके चली गई ब्रेकअप? आप बात पे हुआ है ब्रेकअप? वो थे, हमारा माइंड सेट नहीं मिलता था तो इसलिए। ओपन माइंडेड थी क्या? ओपन माइंडेड नहीं, वो भी इतनी ओपन, वो भी पठान ही थी, हम दोनों एक ही पठान थे दोनों, तो फिर बस फिर भी ब्रेकअप हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ लड़के मेजोरिटी लड़कियों से क्या झूठ बोलते हैं? मेजोरिटी लड़कियों से क्या कि तुम प्यारी हो झूठ बोले होंगे लाजमी, और एक दिन आपका झूठ पकड़ा गया होगा। वो प्यारी थी, प्यारी थी नहीं, और लेकिन अक्सर लड़के यही बोलते हैं। आप अपना बताएं। मैं क्या मैंने क्या बोला है? क्या बोला है मुझे क्या पता क्या बोला है? मैंने झूठ नहीं बोला। आपने झूठ नहीं बोला, इतने शरीफ नहीं है। खैर आपने झूठ ना बोला हो, आप ऐसे ही ब्रेकअप नहीं होता। मैंने झूठ क्या बोला था मुझे नहीं याद, मैंने नहीं याद, नहीं याद। चलें जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शीस। इसका मतलब क्या होता है? खुदा का तोहफा। खुदा का तोहफा। क्या है आप? मुस्लिम। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है? मुस्लिम मुस्लिम। अच्छा शीस पहली दफ़ा सुना मैंने, यूनिक नेम है ना। हाँ वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, गुजारे लाइक है? नहीं अच्छी है। अच्छी है। अच्छा जी वेरी गुड। चलें मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तानी लड़के हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं ठीक है, और आप भी लड़के हैं, तो पाकिस्तानी लड़के मेजॉरिटी लड़कियों से क्या झूठ बोलते हैं? सर है मतलब झूठ बहुत बोले हैं आपने। ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई लड़की नहीं है, लेकिन होती है उनके, होती है। हाय अल्लाह, देखा अभी तीसरा मैंने झूठ देखा है किसी लड़के से पूछा है। और इसके अलावा और अपनी पे छुपाते हैं, मतलब सैलरी नहीं बताते? सैलरी नहीं बताते। बताते
मैंने तो ये देखा है कि लड़कों के पास होता नहीं है लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हमारी इतनी सैलरी है ये वो। वो ना बताना और बढ़ा चढ़ा के बताना एक ही बात है ना। आपने कितने झूठ बोले हैं? मैं नहीं बोलता झूठ, बस कर दें, इतने शरीफ नहीं होते लड़के। और मैं बताऊँ सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं, मैं शरीफ हूँ, हालांकि शरीफ होते नहीं है। शराफत तो फिर हम लोगों में टपकती है ना। अच्छा, क्या लड़कों के लिए मेरा ख्याल है शराफत का यूज नहीं होना चाहिए वर्ड। हर सारे मर्द भी एक जैसे नहीं होते, लड़कियाँ भी एक जैसे नहीं ना होती। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल ऐसी बात है, लड़कियाँ तो बड़े की होती है हमसे। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी फियांसे है। फियांसे है? अरे वाह, वेरी गुड। तो आप शादी कब करनी है? दो साल तक। दो साल तक, इसका मतलब आपको किसी लड़की से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं। आपकी फियांसे के सामने सब कुछ है। अच्छा, मुझे बताइए क्या बनने का शौक है? मुझे, मैं अभी सब कुछ बनने का शौक है। सब कुछ? सब कुछ से मुराद क्या, मतलब सब कुछ क्या? क्या आपने सिंगर भी बनना है, कुकर, कुकिंग भी आपने करनी है? कुकिंग तो नहीं करनी, लड़के काम भी करने हैं। काम भी नहीं करने, सब कुछ में तो यही आ जाता है। वो तो लड़कियां करती हैं। सब कुछ में तो कुछ भी आ जाता है, लड़के भी करते हैं कुकिंग तो। मेरे अब्बू करते हैं, मेरे फादर करते हैं, से करते हैं, शौक से करते हैं, तो सब कुछ से बना तो सब कुछ आ जाता ना। बस ऐसा ही है फिर। एक बताएं, मुझे बनने का शौक, इंजीनियर बनने का शौक था। इंजीनियर? तीसरा इंजीनियर मिला है मुझे आज, तीसरा इंजीनियर था। हाँ। वो दो थे, वो हैं अभी। हाँ। डिजाइनर्स हो? हाँ, डिजाइनर हैं हम लोग। पीछे हट जाओ जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेज गिलानी। चलिए मुझे ये बताएं, लड़के जो है मेजॉरिटी लड़कियों से क्या झूठ बोलते हैं? आप अपना बताएं, आपने कितने झूठ बोले हैं, कितनी लड़कियों से झूठ बोले हैं आपने? क्या झूठ बोले हैं आपने, ज्यादा क्या झूठ बोलते हैं? मेरे पास सिविक है। नहीं नहीं, सिविक कल लड़के, सिविक वाले जो लड़के उनको बहुत पसंद करती है। होंडा 125 है, वही हमारी पारो है। मुझसे झूठ नहीं बोला आपने, है ना, मुझसे सच बोल लिया। दिल के करीब है मेरी बाइक, उसका नाम पारो रखा हुआ है मैंने। पारो रखा हुआ है? सही है। अच्छा मुझे झूठ क्या बोले हैं वो बताएं। झूठ बस यही बोलता हूँ मैं कि आप प्यारी हो, बेशक वो प्यारी ना भी हो, कहना पड़ता है। कहना पड़ता है भाई, क्यों झूठी तारीफ करते हैं? उसे कहूँ आप चुड़ैल की तरह, वो रिप्लाई थोड़ी करेगी मुझे, वो तो दस्सी ब्लॉक कर देगी। सही है, वेरी गुड। बहुत बहुत तरक्की करेगी हमारी पाकिस्तानी आवाम में से, बहुत तरक्की करेगी। और इसके अलावा क्या झूठ बोलते हैं? और बस ये कि आपके बगैर रह नहीं सकते, मर जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे, उस तरह हो जाएंगे, वो भी आगे से कह देती है ठीक है। अरे अल्लाह जी, थैंक यू, है ना, ऐसे बोलती होगी, थैंक यू जी, आप ऐसे आप वैसे। बस समझ लें कि बस किसी से बात करके ना पता चल जाता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसको भी टच करना पड़ता है। तो बंदे का उत्तर बन। चलें जी, थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, कैसा लगा आज का शो? आपको फीडबैक जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत मज़ा आया आज पाकिस्तानी नौजवानों से जाना कि वो लड़कियों से मेजोरिटी क्या झूठ बोलते हैं, तो मुझे ज़्यादा थोड़ी सी नॉलेज भी मिली है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मिली होगी। सो अगर आप चाहते हैं हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।